बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स पेपर लीक मामले में, जी हां, स्नातक स्तरीय भर्ती पेपर लीक मामले में डे बाय डे तमाम तरह की खबरें बाहर आ रही हैं। जैसे कि आपको पता है कि काफी आवाज जो अब उठ रही है वो उठ रही है री एग्जामिनेशन को लेकर। बाकी आपकी क्या राय है कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताना जरूर, क्योंकि इस मामले में जैसे कि आपको पता है कि जब एसटीएफ ने धरपकड़ की थी तो उसमें जो 6 लोग पकड़े गए थे उसमें यह कहा गया था कि कोई आउटसोर्सिंग कंपनी के जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है उसने पेपर लीक किया है। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि इतने छोटे स्तर तक ये जो है गिरोह शामिल नहीं हो सकता, इसमें जो है बहुत बड़ा गिरोह शामिल है। एक कोचिंग संस्थान का भी जो है इसमें नाम आ रहा है। तो आप देख सकते हैं पेपर लीक मामले में बड़े गिरोह का हाथ होने की यहाँ पर पूरी शंका जताई जा रही है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन गिरोह में आयोग के अंदर के कुछ अधिकारियों व कर्मचारियों की भी मिलीभगत होने की पूरी आशंका जताई जा रही है, जो कि जांच में जल्द सामने आ सकता है। इसको लेकर पहले भी हमने कई वीडियोज में आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है कि एक डेटा एंट्री ऑपरेटर इस लेवल तक काम नहीं कर सकता है। हम आगे आपको बताएंगे। ये आउटसोर्सिंग कंपनी RMSS टेक्ली सॉल्यूशन इंडिया का ये एम्प्लॉई था, जो कि आउटसोर्सिंग के आधार पर 2015 से जो है आयोग के गोपनीय कार्य करवाए जाते थे इससे। तो यहाँ पर ये गोपनीय कार्य, याद हो आपको कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो सचिव हैं उन्होंने भी अपने इंटरव्यू में कहा था कि ये इंटरव्यू वगैरह और कुछ कैंडिडेट के जो डाउट सॉल्यूशन है उनको सॉल्व करते। लेकिन यहां पर जो बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि कंपनी की ओर से उससे आयोग के गोपनीय कार्य भी करवाए जाते थे। अब ये गोपनीय कार्य कौन कौन से हैं, अब ये तो या तो सचिव जी ही बता सकते हैं या तो फिर अध्यक्ष जी यहां पर जो है बता सकते हैं। तो यहां पर जो दूसरी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि जो दूसरा एक बंदा था, यानी कि यहां पर आप देख सकते हैं 2 मेन इसमें आदमी है, बाकी तो और भी इसमें लिंक जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे तमाम लोग यहाँ पर आते जाएंगे। तो पेपर लीक करवाने के मामले में निष्कासित PRD जवान मनोज जोशी, जो कि अल्मोड़ा के, उसकी भूमिका बिल्कुल अहम लग रही है, क्योंकि वह 12 साल से लखनऊ स्थित सूर्या प्रिंटिंग प्रेस में कार्य कर चुका है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव ने भी ये बयान दिया है कि जो पेपर लीक हो रहा है कंपोजिंग और पेपर प्रिंटिंग से हुआ है। तो यहाँ पर जो है ये दूसरा आरोपी है, इसका सबसे बड़ा खेल नज़र आ रहा है। और PRD में ये जो है कई दूसरे लोगों के पहुँच की वजह से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में इसने कार्य किया था। 2014-15 से 18 तक रायपुर स्थित अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में PRD यानी कि चतुर्थ श्रेणी के रूप में तैनात था। उसकी तैनाती किसकी सिफारिश से आयोग में और 3 साल नौकरी करने के बाद उसे आयोग से जो है हटा दिया गया था। और सूत्रों की माने तो वो काफी गंभीर आरोप उस पर लगाए गए थे और काफी गोपनीय चीजें वो आयोग से बाहर पहुंचा रहा था। तो इसकी खबर आयोग को लगी, जिसकी वजह से यहां पर आप देख सकते हैं कि आयोग के अंदर इतनी बड़ी गड़बड़ी कर दी कि उसे न सिर्फ आयोग ने वहां से हटाया बल्कि विभाग ने ही उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। तो आप देख सकते हैं, तो तमाम यहां पर जो है निमित्ताएँ BDO BPDO की भर्ती में दिन पर दिन निकलते जा रहे हैं। और अभी तो ये एक छोटी सी अभी शुरुआत है, धीरे 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 इसमें और भी बड़ी मछलियाँ पकड़ में आएंगी। जैसे मैंने शुरू से ही कहा है कि इतने छोटे स्तर पर नहीं हो सकता है गड़बड़ी, कहीं ना कहीं आयोग के कुछ लोग इसमें ज़रूर शामिल है। बाकी आप समझदार हैं हमारा हिंट किस तरफ है, कमेंट सेक्शन आपका है, भर जरूर देना। तो मिलता हूँ इस वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।